फिर मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मम्मी को बताने की क्या जरूरत थी, कुछ ऐसे में हम खुद ही बता देते, लेकिन आपके पेट में तो कोई बात टिकती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मम्मी को नहीं बताता तो कोई और बता देता ना फैमिली में से, फिर उन्हें बुरा लगता। ओ प्लीज मम्मी के दिमाग से सोचना बंद कर दें आप। उस वक्त तो मम्मी को कोई एतराज नहीं था जब उनकी बेटी के लिए उसका शौहर घर बनवा रहा था, प्रॉपर्टी बन रही थी, लेकिन अब जबकि बहू की बारी है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे बारे में ही सोच रहा। वो हमारे बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीन के बारे में सोचती हैं। अगर हमारे बारे में सोच रही होती तो वो हमें हमारा हिस्सा दे देती, लेकिन उन्हें तो बहाने बना दिए ना। तुम उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मैं सब समझती हूँ रोहित, लोग तो खुश होते हैं कि घर में पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन हमारे घर में इसी बात पर एतराज है। मेरे बाबा ने मुझे मेरा हिस्सा दिया है, जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी और को क्या प्रॉब्लम है। फाइन, तुम्हें जो करना है करो। रोहित प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाबा ने हमें प्रॉपर्टी दी है, घर में पैसे किसे आते बुरे लगते हैं, और बाबा ने तो मुझे मेरा हिस्सा दिया है ना, इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और मैं जानती हूँ आपकी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन जॉब तो फिर जॉब होती है ना, उन पैसों से हम अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं या तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं रोज रोज की चिक चिक झिकझिक से तंग आ चुकी हूँ, और पता है ना आपको बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, और आप तो लंदन में रह भी चुके हैं, कितना एडवांटेज है आपको इस बात का। शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाहर रहते हैं, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया था कि हम यहाँ सेटल हो जाते हैं, याद है? I'm sorry, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के सारे हालात देखकर मुझे मुझे बाहर जाना है, इमिग्रेशन करवाएं बस प्लीज। चाहता है ये, हर वक्त बस कॉल पे कॉल, और कोई काम नहीं रह गया शायद इसका। कह तो दिया है कि 9 लाखा दे दूंगी, वैसे भी तैयार तो बैठा होगा मुझे छोड़ने के लिए, सिर्फ 9 लखे का इंतजार होगा। ये क्या हो गया ज़ैन, क्यों होने दिया तुमने ऐसा, कितना आगे निकल गए हो तुम, और मैं आज भी वहीं खड़ी। ये कहाँ चले गए थे तुम? मैं कहाँ गया था मोहतरमा, वहीं खड़ा था, भुट्टे वाला दिख गया था तो भुट्टे लेने रुक गया था, आप ही वहाँ से चली आई थी। तो अगर मैं चली गई थी तो पीछे पीछे आ जाते, और ये भुट्टे भाड़ में गए ये भुट्टे। यार बीवी तुम हो बहुत जालिम और बेमुरव्वत, गलती खुद की होती है और क्या है तुम मुझे रही हो। पहली और आखिरी दफा कह रही, गलती चाहे मेरी हो, सॉरी हमेशा तुम ही करोगे। अच्छा भाई माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा, मेरे साथ तो रहो, भुट्टे कौन खाएगा। नरम वाला कौन सा है? ये वाला। चलो।